नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आरती। सातवीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में सफल परीक्षार्थी गुलाम हुसैन ने मुख्यमंत्री से मुख्य परीक्षा नहीं लेने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री से पीटी परीक्षा रद्द करने का भी आग्रह किया है। उन्होंने अपने वीडियो संदेश में सफल परीक्षार्थी गुलाम हुसैन ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के दौर में जब तमाम स्कूल कॉलेज बंद है तो ऐसे में परीक्षा लेना कहीं से भी सही नहीं है। गुलाम हुसैन ने जेपीएससी पीटी परीक्षा में बड़े पैमाने पे धांधली का आरोप लगाते हुए पहले उसकी जांच की मांग की है, उसके बाद फिर नए सिरे से परीक्षा का आयोजन करने की मांग की है। गुलाम हुसैन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम लेकर कहा है कि आप राज्य के मुखिया हैं और एक अच्छे परिवार से आते हैं, लिहाजा छात्रों के आग्रह को स्वीकार करें। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो आगामी 24 जनवरी से छात्र आमरण अनशन शुरू कर देंगे। केवल आकर्षित किया है, लेकिन यूं तो आप साथियों नमस्कार, जैसे कि आप सबको पता है कि सातवीं से दसवीं जेपीएससी का मुख्य परीक्षा का एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है और विगत 28 जनवरी, 29 जनवरी और 30 जनवरी को इसकी परीक्षा होने को है। और आज मैं आपके सामने ये वीडियो बनाने का ये मेरा पर्पस केवल यही है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री को इस ओर संज्ञान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जहां पे एक ओर राज्य के युवा वैश्विक महामारी का सामना करते हुए आज कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो लगातार कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और ऐसे हालत में आखिर वो परीक्षा को दे कैसे सकते हैं। ये तो मैंने इस ओर संकेत कराते हुए मैंने आपके ध्यान को केवल आकृष्ट किया है, लेकिन यूं तो आपको पहले ही पता होगा कि जिस दिन से इसकी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी हुआ है तब से लेकर के अभी तक लगातार राज्य में इसका विरोध चल रहा है कि इस एग्जाम को रद्द किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत व्यापक स्तर पे घोटाले हुए हैं, भाई भतीजावाद का चरित्र सामने आया है और पैरवी पुत्रों की संख्या तो अनेकों ही आपको ही पता है। और उसके बाद भी ये सब जानने के बाद भी आप राज्य के आला अधिकारी हैं, आप आला हैं राज्य के, आप मुखिया हैं हमारे प्रदेश के, उसके बाद भी अगर आप भ्रष्टाचार को इतना खुलेआम दावत दीजिएगा, खुलेआम सहर्ष स्वीकार कीजिएगा, तो फिर हम जैसे झारखंड के भोले भाले निवासी आखिर एक आम आदमी से क्या उम्मीद कर सकते हैं। और उसके बाद भी हम वैसे अधिकारियों से क्या उम्मीद कर सकते हैं जो कि इस भ्रष्टाचार जैसी षड्यंत्र के साथ इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हुए जो अधिकारी बनेंगे, हम उनसे आखिर राज्य के विकास के बारे में क्या अपेक्षा रख सकते हैं। उसके बाद भी आप सबको पता है कि किस तरह से झारखंड में कोरोना वायरस का ये एक बढ़ता कहर दिख रहा है, उसके बाद भी आखिर ये जो जेपीएससी है आखिर इस एग्जाम को लेने के लिए इतना आमोदा क्यों है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहा हूं कि आप इस एग्जाम को हर हाल में रद्द करें, क्योंकि अभी भी हाई कोर्ट में लगातार एक प्रार्थी के द्वारा सुनवाई चल ही रहा है, उसके बाद भी आखिर इस आनन फानन में इस तरह के कैलेंडर जारी कर देना और एग्जाम को लेना साफ साफ झारखंड के युवाओं के इस संदेह को और भी मजबूत करता है कि जेपीएससी जैसी स्वायत्त संस्थान ने भी भ्रष्टाचार का चोला पहन लिया है। तो ऐसे में हम लोगों ने जब जेपीएससी को सारे साक्ष्य प्रस्तुत करवाए थे प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर के, उन्होंने भी स्वीकार खुद किया था कि जेपी संदेह को और भी मजबूत करता है कि जेपीएससी जैसी स्वायत्त संस्थान ने भी भ्रष्टाचार का चोला पहन लिया है। तो ऐसे में हम लोगों ने जब जेपीएससी को सारे साक्ष्य प्रस्तुत करवाए थे प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर के, उन्होंने भी स्वीकार खुद किया था कि जेपीएससी में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुए हैं, उसके बाद भी आज आपकी सरकार आखिर इस एग्जाम को लेने के लिए क्यों तुली हुई है। माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि आप प्रदेश के मुखिया हैं, मुखिया होने के नाते आपका ये कर्तव्य है और मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस एग्जाम को हर हाल में रद्द कीजिए, क्योंकि इस एग्जाम को होने के बाद हम कतई ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि झारखंड के बहुमुखी विकास में, चौमुखी विकास में झारखंड के ये अधिकारी झारखंड के विकास में योगदान दे पाएंगे, क्योंकि ये जहां भी जाएंगे करप्शन फैलाएंगे, क्योंकि ये खुद भ्रष्टाचार पुत्र हैं, तो जहां भी जाएंगे ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे। माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि आप
एक अच्छे छवि वाले व्यक्तित्व के घर से आते हैं, आप अच्छे व्यक्तित्व के गुण रखते हैं, इसलिए आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप इस एग्जाम को रद्द करिए, इस एग्जाम को निरस्त करिए, क्योंकि नहीं तो आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे झारखंड के युवा हैं जिनका जेपीएससी पर से भरोसा उठ जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री से बार बार मैं अपील कर रहा हूँ कि आप इस वैश्विक महामारी को भी देखते हुए आप इस एग्जाम को रद्द करिए, और नहीं तो फिर झारखंड के तमाम युवाओं ने एक बार फिर से हुंकार भर लिया है और आगामी 24 जनवरी से फिर से आमरण अनशन अर्थात अनशन में जाने की बात कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि फिर से दोबारा कोई अनशन पे ना जाए, और इसीलिए आप इस एग्जाम को अविलंब रद्द करिए। झारखंड के तमाम निवासियों से भी अनुरोध है कि आप माननीय मुख्यमंत्री को किसी भी तरह का संज्ञान दीजिए और इस ओर उनके ध्यान को आकृष्ट कराइए कि इस तरह का भ्रष्टाचार अगर झारखंड में होता रहे तो आने वाले समय में झारखंड के युवाओं के पास केवल और केवल निराशा ही हाथ लगेगा, और झारखंड के इस वैश्विक विकास में हम उनका बिल्कुल भी थोड़ा सा भी योगदान नहीं दे सकते हैं। सभी साथियों से निवेदन है कि आप माननीय मुख्यमंत्री को ट्वीट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, या तो फिर जिनका इस तरह से परिचय है उस माध्यम से आप उनसे अनुरोध करें कि इस भ्रष्टाचार का खेला बस यहीं तक बंद कर दें। इस सातवीं जेपीएससी में इतनी बीमारी है कि जब तक से इस जेपीएससी को ही सातवीं जेपीएससी को जब तक से रद्द नहीं किया जाएगा तब तक से वो बीमारी दूर नहीं होगी। सभी साथियों से अपील है कि आप इस बातों की गंभीरता को समझते हुए